तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोगो डिजाइन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास एक रेफरेंस इमेज हो या एक इमेज हो जिसके ऊपर आप ट्रेसिंग कर सकें। तो इसमें हम देखेंगे कि मैंने एक पेंसिल और पेपर पे एक पेंसिल से ड्राइंग बनाई है, एक रफ स्केच बनाया लोगो का। तो इससे ये हेल्प मिलेगी कि आप जब ट्रेस करेंगे तो आपको प्रोपोर्शन का ध्यान रहे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक रेफरेंस इमेज है, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा जिससे मेरे को थोड़ा अपना जो स्ट्रोक है वो ज़्यादा दिखे। तो स्ट्रोक ओपेसिटी कम करने के लिए मैं इसका ओपेसिटी पे जाऊंगा और इसको एक डेफिनेट नंबर पे सेट कर दूंगा। आप कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैंने यहाँ पे 41% का ओपेसिटी रखी है यहाँ पे। अब मैं एक नया लेयर बनाऊंगा ऐसे और फिर हम इस पर ट्रेसिंग शुरू करेंगे। तो ट्रेसिंग शुरू करने के लिए बेस्ट टूल जो इलस्ट्रेटर में होता है वो है पेन टूल। आप लाइन टूल, सेगमेंट टूल भी यूज़ कर सकते हैं, पर पेन टूल आसान रहता है। तो पेन टूल सेलेक्ट करके आप जूम इन कीजिए। जूम इन करने के लिए आप ऑल्ट दबा के स्क्रॉल को रोल कर सकते हैं और स्क्रॉल बटन को रोल करके आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, और ड्रैग करने के लिए आप स्पेस बार दबा के क्लिक करके और ड्रैग कर सकते हैं। तो जूम इन करके हम ट्रेसिंग शुरू करते हैं। तो ट्रेसिंग शुरू करने के लिए हम यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट पे करके शिफ्ट दबा के आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली है। अब आप इसको शिफ्ट दबा के 45 डिग्री या 90 डिग्री या जो स्नैप्स होते हैं 45 डिग्री के गैप में वो आप ले सकते हैं। अब मैंने रेफरेंस इमेज में थोड़ा सा ज़्यादा स्लोपिंग दिया है, पर मैं चाहूँगा कि ये 45 डिग्री पे रहे। तो 45 डिग्री पे हम शिफ्ट दबा के इसे ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसिंग बढ़ते हैं। तो इसका फिल मैं नील रखूँगा बिल्कुल, और स्ट्रोक ब्लैक रखूँगा जिससे मुझे दिखता जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्ट्रोक थोड़ा पतला भी रख सकते हैं जिससे आपका जो एक्यूरेसी हो वो थोड़ी सी अच्छी रहे। तो ट्रेसिंग आगे बढ़ते हैं। तो शिफ्ट दबा के मैं इसको स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ और 45 डिग्री पे इसको ऊपर, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे कर कर के आप इसे ट्रेस कर सकते हैं पूरा। अब आप देख रहे होंगे कि एक पिंक लाइन आ जाती है जब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक स्नैप ग्रिड की तरह होती है जिससे आपकी जो ड्राइंग है या ट्रेस है वो आपका थोड़ा सा प्रोपोर्शन में रहे। तो मेजरमेंट इससे काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना अच्छा रहता है। तो आप जब ये आए तो इसको देखें और इसके हिसाब से बनाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी पिंक लाइन है तो इसको हम पूरा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। और हमने यहाँ पे हमारा पहला शुरुआत का जो पॉइंट है वो यहाँ से शुरू किया था, और यहाँ पे एक स्नैप आ जाएगा तो इसको हम यहीं तक रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने एक रफ सा ट्रेस आउट कर लिया है। तो अब हम रेफरेंस को हाइड कर सकते हैं। अब रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। तो अब ये हमारे पास एक आउटलाइन सी आ गई है। अब इस आउटलाइन को हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल ब्लैक दे रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा प्लेन लग रहा है क्योंकि हर जगह जॉइनिंग है और पूरा ब्लैक हो रखा है, तो ये थोड़ा सा प्लेन लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और स्टाइल देने के लिए हम एक कटआउट दे सकते हैं यहाँ पे, और ये बहुत सारे लोगो बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कटआउट दे सकते हैं, और कटआउट देने के लिए आप बैकग्राउंड कलर से मैच कर दें। जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा वाइट है, तो ब्लैक पे वाइट सा एक कटआउट देने के लिए वाइट कलर का रेक्टेंगल हम इसके थ्रू करेंगे। तो
एक रेक्टेंगल बनाएंगे और विड्थ उतनी ही रखेंगे जितनी ये जो ई के ऊपर वाला है उतनी विड्थ के अराउंड रखेंगे और वाइट वाइट फिल के साथ। तो इसमें अब हम रोटेट कर सकते हैं इसको, स्ट्रोक ज़ीरो रखेंगे। अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं जिससे हम किसी भी तरह से इसका कटआउट बना सकते हैं। आप या तो स्ट्रेट कटआउट रख सकते हैं नॉर्मली ड्रैग करके, तो एक टाइप का कटआउट तो ये बन गया। अब दूसरा टाइप का कटआउट हम थोड़ा सा एंगल पे लेंगे, तो शिफ्ट दबा के हम 45 डिग्री तक इसको वो कर सकते हैं स्नैप। अब आपको पता चलेगा कि 45 डिग्री पे मैंने क्यों बनाया था, जिससे ये जो सारी स्लांट्स हैं वो एक जैसे लगेंगे, तो 45 डिग्री पे। और 45 डिग्री अचीव करना बहुत आसान होता है, आपको बस शिफ्ट दबाना होता है रोटेट करते हुए, तो आपका 45, 90, 135 ऐसे एंगल्स पे रोटेट हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेस कर देंगे और जूम करके देखेंगे कि कोई चीज़ बाहर तो नहीं निकल रही ज़्यादा। तो हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकल रहा है, तो हम इस रेक्टेंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एरो कीज से आप मूव कर सकते हैं तब तक जब तक ये डिसअपियर ना हो जाए। अब ये कम हो चुका है बिल्कुल, तो हम इतना ही रखेंगे अब इसे। तो आप देख सकते हैं कि प्लेन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये पहले से ज़्यादा सही लग रहा है। अब इसको ये जो जब हम पीएनजी में इसको सेव करते हैं तब ऐसा होता है कि ये जो आपने जो भी शेप्स बनाई है ना, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ये वाइट वाला भी दिखेगा, जो कि बहुत अजीब सा लगता है। तो हम एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे जिससे जो ये शेप्स हैं आप देख सकते हैं वो अलग से आ जाएँ। तो उससे ये रहता है कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो ये वाइट वाला जो रेक्टेंगल है ये नहीं आना चाहिए बीच में। तो इसके लिए हम सारी चीज़ें पहले सेलेक्ट कर लेंगे, आप ड्रैग कर सकते हो वैसे, और फिर एक शेप बिल्डर टूल के नाम से एक टूल आता है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जो जो शेप्स आपको चाहिए, ध्यान रखिए जो आप शेप्स लेना चाहते हैं वो इंटरसेक्शन में आएगी हर चीज़ के। जैसे आपने ये वाला लिया है और ये वाला जो पूरा लोगो हमने बनाया उसका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन के बीच में जो रीजन आएगा वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल से। तो हम ये वाला करेंगे, ये वाला और ये वाला। अब क्योंकि वो सारी शेप्स अलग हो चुकी हैं, तो हम ये वाली शेप जो है अब हटा सकते हैं, तो डिलीट कर देंगे इसे सेलेक्ट करके, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि सारे ये पूरा अलग हो चुका है, और जब आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो वाइट कलर का जो रेक्टेंगल था पहले वो नहीं आएगा। तो अब हम इसे पूरा ब्लैक फिल कर देंगे, तो ये अलग हो चुका है अब। और इसमें आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। और शेप बिल्डर टूल का ये बड़ा फ़ायदा है कि आप सब चीज़ों को अलग कर देते हैं, तो इससे आप जो स्पेसिफिक जगह पे आप कलरिंग करना चाहते हैं, स्पेसिफिक पार्ट पे कलरिंग करना चाहते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट किया और फिर इसमें हम एक ग्रेडियंट सा डाल देंगे। ग्रेडियंट में जाके आप ग्रेडियंट टूल और फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आ जाता है। इसमें फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जाके ग्रेडियंट स्लाइडर करके नाम से आता है, उसमें आप कलर्स देख सकते हैं कौन सा देखना है। जैसे हम येलो भी ले सकते हैं और पर्पल ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, तो कैसे भी ले सकते हैं आप, रेड लेके देखते हैं एक बार। और ग्रेडियंट स्लाइडर में ये काफ़ी सारे स्लाइडर्स भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहें तो मैं ट्यूटोरियल दे सकता हूँ पूरा इलस्ट्रेटर का, जो जो मेन थिंग्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा एडवांस ट्यूटोरियल नहीं दूंगा, लेकिन जो जो अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप लोगो बना सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए अगर आपको वो ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक अलग सा कलर यूज़ कर सकते हैं हम, रेड का डार्क वर्जन, तो थोड़ा सा डार्क शेड की तरफ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी अच्छा ये ग्रेडियंट सा आपको दिखेगा, और लोगो भी हमारा पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है।
हम स्ट्रोक हटा देंगे इसका, इससे ब्लैक आउट कहीं ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने एक सिंपल टेक्निक्स यूज़ करके एक काफ़ी बेहतर लोगो बना दिया है। तो आप ऐसी टेक्निक्स प्रैक्टिस करते रहें, पेंसिल से पहले पेपर पे बना के देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस से आप बहुत इजीली आप ट्रेस आउट कर सकते हैं, फिर एडिट कर सकते हैं। और डिजिटली एडिट करना काफ़ी इजी होता है बजाय उसके कि आप पेपर पे कलर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पेपर पे पहले बनाएं, फिर आप डिजिटली बनाएं। आप डिजिटली भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा दिक्कत आता है प्रोपोर्शंस का। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और लोगो बना के दिखाऊंगा आपको, जिसमें यही टाइप की टेक्निक्स यूज़ होंगी, पर थोड़ा सा अलग रहेगा ये लोगो। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप्स में जाऊंगा, और एक और अच्छी सी ट्रिक मैं दिखाऊंगा आपको जिससे आप सिमेट्री बना सकें। तो ये वीडियो यहीं तक था। कृपया सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके देन, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।